सीएम भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली आप सरकार ने पंजाब राज योजना बोर्ड नूं भंग कर दिता है। इस समय साबका मुख्यमंत्री बीबी रजिंदर कौर पठल इस बोर्ड के उप चेयरमैन सन। उन्हां दी नियुक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार समय हुई सी। हुण मान सरकार ने राजपाल तो मंजूरी मिलते ही सूबाई बोर्ड ते जिला योजना बोर्डां नूं भंग कर दिता। दरअसल आम तौर पर जदों सरकार बदलती है तो सारे सियासी अहुदिआं दे चेयरमैन ते उप चेयरमैन अस्तीफे दे दिंदे ने, पर योजना बोर्ड विच अजिहा हाले नहीं सी होया। इसलिए हुण पंजाब सरकार ने इस नूं भंग करदिआं सरकार ने मौजूदा बोर्ड चेयरपर्सन पठल नूं हटा दिता है। इस दे नाल ही रजिंदर गुप्ता, वाइस चेयरमैन ते मैंबर पवनीत सरदाना, भगवंत सिंह, KVS सिद्धू अते बलदेव सिंह ढिल्लों दीआं सेवावां भी खत्म हो गईआं ने। सोमवार नूं सूबा सरकार दे योजना विभाग दे सकत्तर दलजीत सिंह मांगट ने इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता है। खास गल इह है कि केंद्र सरकार ने योजना कमिशन नूं भंग कर दिता है ते इस दी थां नीति आयोग बना दित्ती सी। इस दे नाल ही पंजाब विच प्लैनिंग बोर्ड भी मौजूद सी। मान सरकार वल्लों राजपाल की सिफारिश नूं प्रवान करदिआं बोर्ड नूं भंग करन दे हुकम दित्ते गए सन। मान सरकार वल्लों राजपाल की सिफारिश नूं प्रवान करदिआं बोर्ड नूं भंग करन दे हुकम दे दित्ते गए ने। दस दईए कि हुण तक योजना बोर्ड सूबे की सालाना योजना तैयार करके योजना कमिशन तो पास करवाउंदा सी, पर योजना कमिशन भंग होण तों बाद सूबे विच बड़े योजना बोर्डां ने ही योजनावां तैयार करनियां सी, पर इस दी थां ते हुण आर्थिक नीति ते योजना बोर्ड का गठन कर दिता गया। हुण जल्दी ही बोर्ड के वाइस चेयरमैन ते होर मैंबरां दी नियुक्ति की जाएगी। हासिल जानकारी तो यह भी है कि आर्थिक नीति ते योजना बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ही होणगे, जदों के बोर्ड के होर मैंबरां नूं नामजद करन लई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मान सरकार ने बोर्ड के दो उप चेयरमैन नियुक्त करन दा फैसला कीता, जिस विच ज़्यादातर वित्ती माहर शामिल होणगे।